हम अलगूमसम शाहन जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने प्लांटी जैसा कि चैप्टर ही प्लान्ट स्टार्ट किया हुआ है पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की स्टडी की अब हम लोग ट्रैक्योफाइट्स की स्टडी कर रहे हैं फिलीसिनी के बाद जेमनोस्फॉमी फिर एजियोस्फॉमी जेमनोस्फॉमी क्या होता है नेक्ट सीडेड प्लांट को बोलते हैं जेमनोस्फॉमी ठीक है जेम्नो मतलब नैक्ट मीन सीट क्स्ट एडिट प्लांट को जेमनोस्पॉमी बोलते हैं आज हमारा टॉपिक है ही जेमनोस्पॉमी इसलिए आप लोगों को फर्स्ट में कुछ डायग्राम दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में कुछ आसानी हो जैसा कि ये डायग्राम है ये साइकल प्लांट की है जिसको सोगो पाम भी बोलते हैं इसमें ये फीमेल कोन लगी हुई है फीमेल कोन हमेशा साइज में बड़ी होगी और एक प्रोड्यूस होगी एक्सिस पे प्रोड्यूस होगी जब पे फीमेल कॉन्स इसकी साइकस की ये फीमेल्स कौन है सॉरी ये मेल कौनस हैं मेल कौनस गुच्छों के फार्म में स्पायरली अरेंज होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं इसी तरह ये पाइनस प्लांट की मेल कौन है सॉरी ये फीमेल कौन है इसी तरह ये यूस प्लांट की यूस प्लांट को दिखाया गया है तो ये सारे कौन से होते हैं यूस सोगोपाम पाइनस ये प्लांट्स जो हैं ये जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके सीड फ्रूट के अंदर इनकलोज नहीं होते बल्कि सीड प्लांट होते हैं इसलिए इनको जिम्नोसफर्मी का नाम देते हैं अब ये सारे प्लांट्स भी दिखाए गए हैं अक्सर पहाड़ी इलाकों में चले जाएं नॉर्दर्न एरियाज में तो इस तरह के पाइनस प्लांट ग्रो किए होते हैं कॉन्स की में जिनकी हाइट तकरीबन हंड्रेड मीटर तक होती है तो ये प्लांट कौन से होते हैं ये जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके ऊपर कॉन्स लगी हुई होती हैं बहुत खूबसूरत कॉन्स होती हैं मेल कोर्स छोटी और फीमेल कॉन्स बड़ी होंगी इसी तरह ये मुख्तिफ शिखाई गई हैं मुख्तलिफ प्लांट्स की हैं प्लांट है, ये कॉन्स ये मुख्तिफ प्लांट दिखाए गए हैं ये पाइनस है ये सोगो पाम है इसी तरह ये यूस प्लांट है जिसको गोल्डन प्लांट भी बोलते हैं यूस प्लांट और ये वाला पाइनस प्लांट ये वाला भी पाइनस प्लांट है तो ये मुक्तिफ प्लांट्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्मी होते हैं जो कि नेक्ड सीडेड प्लांट होते हैं अब जिम्नोस्पर्मी बोलते किसको हैं जिम्नो नेक्ड स्पर्मी मीन होता है सीडेड नेक्ड सीडेड प्लांट को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्मी जिम्नो नेक्ड स्पर्मी, स्पर्मी सीड्स स्पर्म जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है सीड्स स्पर्मी जो जमन जमनोसपमी है ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट ये तकरीबन वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्दर्न एरियाज में तो बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स ग्रो करते हैं इसके अलावा डेजर्ट में मॉडरेट एरियाज़ में ये मैदानी इलाकों में ये बहुत ज़्यादा ये ग्रो करते हैं इसके अलावा इनको ऑर्नामेंटल परपज़ के लिए यूज़ किया जाता है घरों में ऑर्नामेंटल बहुत प्यारे लगते हैं ये पौधे तो ये इनके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है ये हेट्रोस्पोरस होते हैं दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं मेल स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर अब इसमें सीड जो हैं जैसा कि इनका नाम है जिमनोसोमी नैक्ट सीडिड सीड होते हैं सीड इनमें फ्लावर भी नहीं बनते इनमें कोई फ्रूट नहीं बनता जब फ्लावर बनेंगे तो फ्रूट बनेगा तो इनमें फ्लावर भी नहीं बनता इनमें फ्रूट्स भी नहीं बनते बस इनमें कोन्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनके ऊपर बीज बन जाते हैं और कोई फ्रूट नहीं होता इनके और ओव्यूल जो है ओव्यूल क्या होते हैं बीज ठीक है अब ओवरी पक के फल बना देती है ओव्यूल पक के बीज बना देता है ओव्यूल और बीज तकरीबन सेम है सीड मतलब ओव्यूल थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है ओव्यूल ओव्यूल जो है वो पकने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी पकने के बाद फल में कन्वर्ट होती है क्योंकि अब इनमें फ्लावर तो फर्टाइल लीव्स लीव क्या होते हैं दो तरह के लीव होते हैं एक फर्टाइल सित्रा, लीव होते हैं फर्टाइल है। वो होते हैं जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होगा स्टराइल वो होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करते तो फर्टाइल लीव्स के अंदर सीड प्रोड्यूस होगा फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा अव्यूल अव्यूल जो है वो नेक्ड होता है इनक्लोज होता है किसमें इंक्लोज होता है ये कॉन्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है सीड तो ये फर्टाइल लीव्स की सरफेस के ऊपर ये अव्यूल मौजूद होता है फ्रूट के अंदर मौजूद नहीं होता अब ये कॉन्स दिखाई गई हैं ये सोगो पाम या साइकस की मेल फीमेल कोन है बहुत बड़ी मीट में मौजूद है ये उसकी मेल कोन्स है जो कि स्पाइरली अरेंज है और बहुत ज्यादा तादाद में है इसी तरह ये पाइनस की दिखाई गई हैं पाइनस की मेल और फीमेल कोन्स एक ही प्लांट पे लगती हैं इनके कोन्स जो है वो सेम प्लांट्स पे भी हो सकती हैं डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकती हैं है। जैसा कि ये सोगो पाम में फीमेल कोन्स एक प्लांट पे प्रोड्यूस हो रही हैं मेल कोन्स दूसरे प्लांट पे प्रोड्यूस हो रही हैं जबकि पाइनस प्लांट में मेल्स और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं अब जो है मेल हमेशा अरेंज होती हैं तादाद में ज्यादा होती हैं छोटी होती हैं जबकि फीमेल कोन्स बड़ी होंगी और सिंगली ये प्रोड्यूस होती हैं अब एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट कैसे होता है ये सोगो पॉम की ही दिखाई गई है मेल कोन्स अब इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होती है हमने पीछे सारे डिटेल से पढ़ा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होते हैं कि जनरेशन का रदो बदल स्पोरोफाइट खत्म हुई तो गेमिटोफाइट शुरू गेमिटोफाइट खत्म हुई तो स्पोरोफाइट शुरू हुई तो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट बट लेस कॉन्सोपिशियस गोमिटोफाइट जनरेशन होती है इनकी गेमिटोफाइट ज़्यादा कॉन्सोपिशियस नहीं होती जबकि स्पोरोफाइट इनकी डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट होती है अब फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो पार्शली रिटेन्ड

माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल में प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर मेगास्पोरोफिल में प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर मेल गैमिट बनाते हैं मेगास्पोर फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करवाते हैं तो क्योंकि इनमें एब्सेंट ओवरी नहीं होती इसमें फल नहीं बनता फ्लावर नहीं बनता तो क्या होता है सीड जो है वो नेक्ड होते हैं सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती जैसे हम कह देते हैं नेक्ड आइट आंखों के ऊपर अगर ग्लास लगे हो तो हम कहते हैं ग्लासेस है ग्लास लगे हुए हैं अगर ग्लासेस के बगैर हम कोई चीज देखते हैं तो हम कहते हैं नेक्ड आई से देख रहे हैं मतलब नंगी आंख से देख रहे हैं तो नेक्ड जो अव्यूल है मतलब वो अव्यूल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है सीट के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है सिर्फ वो कॉन्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते इसमें फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा तो सीट जो है वो यूजली क्या होगा नेक्ड होगा अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है में ग्रो करते हैं। पिछली डायग्राम में ये वाला जो है ये पाइनस प्लांट की डायग्राम है पाइनस प्लांट नॉर्दर्न एरियाज में ग्रो करते हैं बहुत खूबसूरत इसके ऊपर मेल्स और फीमेल कोन लगती हैं आप लोगों की लैब में भी पड़ी हुई है पाइनस की मेल्स और फीमेल कोन अब टैक्सिस यूज़ क्या है ये ऐसा है जो येलो कलर में होता है इसकी जो है बाकायदा त्यौहार मनाए जाते हैं बड़ा खूबसूरत ये पौधा होता है बिल्कुल येलो कलर कलर में कन्वर्ट हो जाता है इसके ऊपर भी कॉन्स लगती हैं ये वाला <coughs> उसके अलावा जिंको जिंको भी एक जिम्नोस्पमी प्लांट है जैसा कि ये वाला प्लांट के जिंको की एग्जाम्पल है अब लाइफ साइकिल पाइनस का देख लेते हैं पाइनस अपना लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं कि पाइनस जो है ये इवर ग्रीन प्लांट होते हैं हालांकि ये नॉर्दर्न एरियाज में ग्रो करते हैं बर्फबारी होती है तो अक्सर पौधे ड्राई हो जाते हैं लेकिन ये पौधे जो है ये इवर ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं आप लोगों ने जो होम्योस्टिस चैप्टर में पढ़ा होगा कि पाइनस प्लांट के जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक -like होते हैं जिसकी वजह से ये बर्फबारी के इसके ऊपर सख्त ब्यूटिकल मौजूद होती है इस सख्त बर्फबारी में भी ये सरवाइव करते हैं तो ये इवर ग्रीन होते हैं ये बहुत टाल होते हैं बहुत लंबे होते हैं हंड्रेड मीटर से भी अब इनकी हाइट होती है इनकी ट्रू रीट्स होती है, ट्रू रू, होते है और ट्रू स्टेम होती है रूट स्टेम और लीव इनके ट्रू होते हैं इसमें स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है ठीक है इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है स्पोर प्रोड्यूस करवाती है जो कि रिडक्शन डिवीजन है ठीक है रिड्यूस होते हैं और स्पोर प्रोड्यूस करवाते हैं स्पोर्सोरेंजिया sport में प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर एंजिया में मेगास्पोर मेगास्पोर स्पोरेंजिया में और माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट बना देते हैं और मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट बना देते हैं तो ये प्रोड्यूस होते हैं कोन्स के अंदर कॉन्स जो है वो सेम प्लांट के ऊपर भी हो सकती है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी हो सकती है अब मेल कॉन्स जैसा कि शुरू से बताती आ रही हूँ मेल कॉन्स स्मॉल साइज की होती है क्लस्टर में प्रोड्यूस होती है गुच्छों की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है मेल मेलकोन्स माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करवाती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और इसके गिर जो लीव होंगे उसे माइक्रोस्पोरो बोलते हैं फिल का मतलब होता है लीव तो माइक्रोस्पोरो बोलेंगे जैसा कि ये कोन है ये है माइक्रो ये मेल से है क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है ये मेल कॉन्स से क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है स्मॉल साइज में है इसके गिट जो लीव्स बने हुए हैं लाइक स्ट्रक्चर इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं जिस और इसके अंदर माइक्रो जिसके अंदर माइ इसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अब जो फीमेल कॉन्स होती हैं वो लार्ज होती हैं कंसपिशियस होती हैं शो हो रही होती हैं उसके अलावा मेगा स्पोर होता है ये मेगा स्पोर में प्रोड्यूस होता है मेगा स्पोर की लीफ के दरमियान में ठीक है कॉन्स लकड़ी की बनी हुई होती है लकड़ी जैसी होती है वुड भी होता है उसका अब माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा और मेल गैमिटोफाइट बना देगा जबकि मैगा जर्मिनेट करके फीमेल गैमिटोफाइट बना देगा यही दिखाया गया है कि फीमेल कोन्स लार्ज होती हैं बड़ी होती हैं इसमें मेगास्पोरोफिल होता है मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है मैगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर प्रोड्यूस होता है मेगास्पोर एक्सेल में कन्वर्ट होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है मेल वाला माइक्रोस्पोर होगा माइक्रोस्पोर के अंदर प्रोड्यूस होगा और ये मेल गैमेटोफाइट बना देगा मेल हमेशा क्लस्टर में प्रोड्यूस होती है फीमेल सिंगली और कंसोपिशियस होती है माइक्रोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा जो मेल गैमिट है वो जर्मिनेट करेगा और स्मॉल कंसोपिशियस मेल गैमिटोफाइट ये बना देगा

पोलन ग्रेन इसमें क्या होगा माइक्रोस्पोरोफाइट होंगे इसको हम पोलन ग्रेन का नाम देते हैं पोलन ग्रेन पाइनस के जो है इसके टू विंग्स होते हैं ये देखें एक विंग ये वाला और एक विंग ये इसके टू विंग्स लेटरल साइड पे मौजूद होते हैं ठीक है उन विंग्स का क्या काम होता है माइक पोलन ग्रेन में उन विंग्स का क्या काम है वो पोलन ग्रेन जो है इसमें ग्रेट नंबर में विंड के जरिए कैरी करते हैं ये हवा के जरिए बहुत दूर तक फैल जाते हैं ये इसके स, जो पोलन ग्रेन है इससे इनको वाटर की जरूरत नहीं होती जो हमने लोअर प्लांट पड़े हैं उसमें हमने देखा कि आ, उनमें सिलिया और फ्लैजिला होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करके फीमेल गैमेटो की तरफ, फाइट की तरफ ट्रांसफर करते होते हैं जबकि इसमें विंग्स होंगे वो विंग्स इसको फीमेल गैमिटो की तरफ ट्रांसफर करवाएंगे और विंग्स की मदद से लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हैं बहुत डिस्टेंस कवर करते हैं अब मेल को फीमेल में ट्रांसफर होता है एयर के थ्रू तो इन्हें वाटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके पास विंग्स मौजूद है, मतलब हैं तो इनके, इनको के लिए की नहीं होती। अब जो मेल गेमिटोफाइट है लोकेटेड ऑन फीमेल गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइर लीफ विच इज टेक्सचर ठीक है जो फीमेल से है वो वुडी टेक्सचर की होगी ये देखें वुडी टेक्सचर की है इसके ऊपर ये वुडी लीव स्पाइरली अरेंज है स्केल्स की फॉर्म में और इसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होगा इसकी बेस पे क्या है ओव्यूल प्रेजेंट है ओव्यूल क्या है इसको हम मेगा स्पोरेंजियम का नाम देते हैं इसको एडिशनल कवरिंग इसमें मौजूद है इनके गिर्द जो मेगास्पोर मेगास्पोर मदर मदर सेल्स सेल्स बना देती हैं 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 होते के थ्रू जैसा कि कि हम कहते है। तो फोर प्रोड्यूस हुए, सिर्फ वन जो है वो फंक्शनल रहेगा बाकी डिजेनरेट हो जाएंगे वो ही सर्वाइव करेगा जिसको एटमोस्फेयर सेलेक्ट करेगा जिसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेगा अब फंक्शनल मेगास्पोर में और ये फीमेल गैमिटोफाइट या फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है ये पूरी ये डायग्राम देखो तो आपको समझ आ जाएगी ये फीमेल गैमिटोफाइट है ये वुड टेक्सचर है बिल्कुल वुड जैसी वुड की बन, लगती है कि वुड की बनी हुई है इसके बेस पे इसके जो लीव है जिसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं वो स्पाइरली अरेंज है उनके बेस पे ओव्यूल मौजूद है ठीक है उनके बेस पे ओव्यूल मौजूद है और इसके गेट जो है ओमेगा स्पोरेन्जियम मौजूद है अब मेगास्पोरोफिल जो है चार-चार हर उसमें प्रोड्यूस होंगे हर मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेन्जियम लेकिन तीन तीन डी जनरेट हो जाएंगे सब में एक-एक मेगास्पोर सरवाइव करेगा वो मेगास्पोर सरवाइव करेगा और वो नेक्स्ट सीड में कन्वर्ट होगा अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंब्रियो सैक जो है वो सेवरल आर्चीगोनिया होते हैं फीमेल गैमेट और एग

अब फर्टिलाइजेशन ऑफ व्यूल जो है वी बिकम द सीड ऑफ व्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा सीड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो जो है वो स्टोर मटेरियल करेगा और जर्मिनेट करेगा और कंप्लीट जो है वो प्लांट बना देगा और जो इसमें क्या है कि सबसे पहले मेल गैमिटोफाइट पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर हुआ है मेल uh, गैमिट से फीमेल गैमिटोफाइट की तरफ फीमेल के मिटोफाइट की तरफ ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पे जाके ओव्यूल की सरफेस के ऊपर लैंड किया है ओव्यूल की सरफेस के ऊपर लैंड होने के साथ ही क्या हुआ इसने पोलन ट्यूब बना दी है पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब बना दी है और पोलन ट्यूब ने क्या किया है इसमें मेगा बना दिए हैं एक सिर्फ एक मेगा स्पोर किया है बाकी डिजेनरेट हो गए हैं वो मेगा सीड में कन्वर्ट हो गया और सीड जर्मिनेट करके उसने एम्ब्रियो बना दिया एम्ब्रियो से कंप्लीट स्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस हो गया है तो ये है उसका फीमेल गैमेटोफाइट अब लाइफ साइकिल इसमें देखते हैं तो स्पोरोफाइट स्पोरोट है जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट है जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन है वो इनकॉन्पिशियस है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन अब ये पूरा डायग्राम को आपको देखे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी अब इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाइनस पाइनस में मेल कौनस बनी और फीमेल कौनस बनी दोनों टू एन ए डिप्लॉयड उनमें न्यूक्लियस मौजूद है अब फीमेल क्या क्या है ये मेगास्पोर है मेल माइक्रोस्पोर है फीमेल में मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाते हैं म्यूसिस होगी रिडक्शन डिवीजन होगी वन एंड सेल बच जबकि माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना देंगे और इसकी रिडक्शन डिवीजन होगी ये माइक्रोस्पोर उसमें भी वन एन रह जाएगा मकसद यही यह होता है का कि को हाफ कर देना है ताकि जब करें तो नेक्स्ट सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहाल हो सके तो अब जो है मे मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियोसैक में क्या बनेगा आर्चिगोनियम आर्चिगोनियम में एग बनेगा एग और ये मेल गेमीट फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ओस्पोर बनेगा उस्पोर में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो सीड में और सीड मुकम्मल प्लांट बना देता है अभी हाफ इसके जनरेशन टू एन है और ये मेगास्पोर माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर एग ये जो है ये वन एन जनरेशन है इसको गेमिटोफाइट जनरेशन कहते हैं गेमिट प्रोड्यूसिंग जनरेशन ये जनरेशन स्पोरोट के ऊपर डिपेंड कर रही है टोटली जो है वो स्पोरोट ज्यादा डोमिनेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है डायग्राम आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है तो ये था आज का हमारा टॉपिक अःमोस्फार्म बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला हम लोगों ने करना है एंजियोस्पर्म तो साथ साथ आप लोग इसको तैयार करें थैंक यू अल्लाह